हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दुर्गा पूजा का वीडियो। हमारे गांव में कुलदेवियों का पूजा कैसे होता है, कुलदेवी का पूजा जो है हमारे गांव में, हमारे घर में लगभग 40 साल से होते आ रहा है, तो ये पूजा कैसे होता है, इसका आज है नवमीं, और नवमी के दिन का पूरा वीडियो मैं आप लोगों के को दिखाऊंगी कि नवमी के यहाँ हमारे यहाँ पर क्या क्या होता है। और अष्टमी का पूजा हो चुका है, देखिए कच्चा चावल पीस करके जगाया गया है माता रानी लोगों को, सब चीज़ को जगाया गया है। यहाँ पर मैंने कच्चा चावल और चना का दाल भिगा दिया है, प्रसाद बनेगा इसका। और ये देखिए अष्टमी के दिन, मतलब पहली पूजा से लेकर रोज़ रोज़ पूजा जो होता है उसका, जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, उसके पहले दिन जो पूजा हुआ था सब गंदा हो गया है, तो मैं सब साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो है मैं गंगा जल से पहले माता रानी का जो ये श्रृंगार है ये मैं अच्छी तरह से धो लेती हूँ, क्योंकि आज पूरा श्रृंगार होगा फिर माता रानी का। तो आज नवरात्रि का नौवां दिन यानी आखिरी दिन है, और ये मिट्टी का है सीरा, तो इसको मैं अच्छी तरह से धो के गंगा जल से इसको मैं अच्छे से नीप दूंगी। और वीडियो में पूरा बने रहिए और देखते रहिए कि हमारे यहाँ पर पूजा जो है कैसे होता है। फ्रेंड्स, तो मैं सबसे पहले मंदिर सबको साफ़ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पूरा मंदिर को अच्छी तरह से साफ कर लिया है, पोछा लगा लिया है अच्छी तरह से, भगवान लोग को भी मैंने पोछा लगा लिया है। तो ये देखिए, और तो सब इस सबसे पहले मैं जो है माता रानी का श्रृंगार करूँगी। ये जो आप देख रहे हैं ये सीरा का श्रृंगार जो हो रहा है,
यहाँ पे मैंने सिंदूर को जो है घी में अच्छी तरह से घोल लिया है। यहाँ पर माता रानी का जो सिंगार है, यहाँ पर सीरा का सिंगार सूखा सिंदूर से नहीं होता है, हम लोग यहाँ पे घी में घोल के सिंगार करते हैं सीरा को। तो मैं अच्छी तरह से सिंगार कर लेती हूँ और चंदन का टिक्का सबको लगा देती हूँ। अब देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए और देखिए क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है गंगा जी का मिट्टी और गंगा जी की मिट्टी से ही हम लोग के यहाँ जो है शिव जी यानी भोला बाबा जिसको बोलते हैं वो बनाया जाता है। और यहाँ पर जो मैंने अखंड ज्योति को पोछा लगाने के टाइम में मैंने साफ़ किया था और यहाँ पे मंदिर के ऊपर रख दिया था, तो मैंने अखंड ज्योति को स्थापित कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने अखंड ज्योति के नीचे थोड़ा सा कच्चा चावल डाल दिया है और यहाँ पर मैं फल काट के फल का तैयारी कर लेती हूँ। और मैंने बताया गंगा जी की मिट्टी से जो है भोलेनाथ यानी भोला बाबा को, भोला बाबा का जो है स्वरूप को तैयार किया जाता है। भोलेनाथ का स्वरूप, भोला बाबा का स्वरूप गंगा जी की मिट्टी से ये देखिए बनाया जा रहा है। और ये जो है पहली पूजा से नवमी तक बनता है, ये देखिए इस तरह से बनाया जाता है अपने हाथों से। उसके बाद पूजा होता है, यहाँ पे पूजा जहाँ पे होता है वहाँ पर इसको रख दिया जाता है भोले बाबा को। ये देखिए इस तरह से रख दिया जाता है और यहाँ पर पूजा होगा। ये जो है ये गंगा जी की मिट्टी से ही बनाया जाता है, 9 दिन पहली पूजा से लेके 9 दिन तक इसी तरह से अपने हाथों से भोले बाबा का प्रतिमा बना करके पूजा किया जाता है। Good.
बोल दे दुर्गा माई की जय, बोल दे दुर्गा माई की जय, दुर्गा माता की जय, दुर्गा माता की जय, दुर्गा माता की जय, माता की जय, आगे बढ़ा। Namaste, 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 nam